हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिण नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट इन एंटीनेटल पीरियड, या इसको हम यूँ बोल सकते हैं कि इन्वेसिव प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं एंटीनेटल पीरियड के टाइम। ठीक है, कि इन्वेसिव प्रोसीजर्स ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड। आज की क्लास में सिर्फ हम जो भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सो फर्स्ट जो हमारा इन्वेसिव प्रोसीजर है एंटीनेटल पीरियड के टाइम हम करते हैं, ये जो प्रोसीजर क्यों करते हैं? डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रोसीजर है वो है हमारा एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, ये जो है प्रोसीजर, ये कब किया जाता है? इसका जो टाइम है, अगर हम अर्लीएस्ट बोले कि एट अर्लीएस्ट ये 12 to 14 weeks पर किया जाता है, 12 to 14 weeks पर। और अगर आइडियली की बात करें, ठीक है, आइडियली इसको 14 to 16 weeks बोल सकते हैं। ठीक है, तो 14 टू 16 वीक्स कब है अगर आइडली एमनियोसेंटेसिस का प्रोसेस किया जाता है? और अर्लीएस्ट, ठीक है, मींस सबसे पहले, मींस शुरुआती टाइम पे कौन सा होता है? 12 वीक्स से इसको, इस प्रोसेस 12 वीक्स पर भी इस प्रोसीजर को किया जा सकता है। ठीक है, अगर अर्ली अगर हमें करना है तो 12 से 14 वीक्स पर भी इसको हम कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस क्यों किया जाता है, किस पर्पज़ के लिए? ताकि कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं। इसमें फीटल सेल्स को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, मींस एमनियोटिक जो कैविटी होती है उसको पंचर करके फीटल सेल्स को कलेक्ट किया जाता है, और किसी भी कोई भी जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम आपको पता चल गया, इसमें मेन आपको टाइम याद करना है। ठीक है, सेकेंड जो है हमारा है इनमें से प्रोसीजर, वो होता है MSAFP। MSAFP क्या है? मेटरनल सीरम अल्फ़ा फीटो प्रोटीन। ठीक है, मेटरनल सीरम अल्फ़ा फीटो प्रोटीन। और ये जो टेस्ट है ये हमारा कब किया जाता है? ये हमारा हो जाता है 15 to 20 weeks पर हम इसको करते हैं। 15 to 20 weeks, जो अल्फ़ा जो फीटो प्रोटीन है, ये क्या एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो योक सैक और जो फिटल लीवर है वहाँ से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, योक सैक और फिटल लीवर से प्रोड्यूस होता है MSAFAP, और ये फिटल ब्लड के अंदर, ठीक है, फिटल ब्लड या फिर एमनियोटिक फ्लूड के अंदर इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो कब होता है? 13 weeks पर होता है। ठीक है, 13 weeks पर इसका जो है मैक्सिमम लेवल आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, किसके अंदर? फिटल जो है ब्लड या फिर एमनियोटिक फ्लूड की हम बात करें तो, और मैटरनल ब्लड की बात करें, मैटरनल ब्लड में इसका जो हाईएस्ट लेवल है वो मैटरनल ब्लड, ठीक है, वो कब डिटेक्ट कर सकते हैं? 32 weeks पर। ठीक है, तो 32 weeks पर जो फीटल जो ये अल्फ़ा फीटो प्रोटीन है वो 32 weeks में मैटरनल ब्लड में मिलेगा, और फिटल ब्लड एमनियोटिक फ्लूड में इसका जो हाईएस्ट लेवल है वो 13 weeks पर मिलता है। ठीक है, और कहाँ से प्रोड्यूस होता है? फिटल लीवर से और योक सैक से। अब अगर इसका जो लेवल है एलिवेटेड होता है, मीन्स हाई लेवल हो जाता है, ठीक है, अगर एलिवेटेड AFP मिलता है, अल्फ़ा फीटो प्रोटीन मिलता है, एलिवेटेड हो जाता है, मीन बढ़ जाता है नॉर्मल से, तो किसको इंडिकेट करता है? वो हमारा करेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या फिर जो है रॉन्ग जेस्टेशनल एज है, जो जेस्टेशनल एज है वो गलत होगी। ठीक है, या फिर न्यूरल जो मेन हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को बताते हैं, या फिर जो हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, एंटीरियर एब्डोमिनल डिफेक्ट्स को भी इंडिकेट करता है अगर हमें एलिवेटेड मिलता है। ठीक है, अगर हमें लो लेवल मिलता है, लो लेवल ऑफ AFP अल्फा फीटो प्रोटीन, तो किसको इंडिकेट करता है? वो हमें डाउन सिंड्रोम और मोलार प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। मोलार प्रेगनेंसी, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एलिवेशन है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स, ठीक है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स, या फिर जो जेस्टेशनल एज है वो भी रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, लो है तो डाउन सिंड्रोम और मोलार प्रेगनेंसी को, ये हमारा हो गया MSAFP जो 15 to 20 weeks पर हम करते हैं। इसके बाद एक होता है ट्रिपल टेस्ट। ठीक है, तो ट्रिपल टेस्ट नाम बता रहा है कि इसमें क्या है, जो है तीन, एक कंबाइंड टेस्ट है। ठीक है, कंबाइंड टेस्ट किस किस से बना है? MSAFP से, SGG और
यूजी अनकंजुगेट एस्ट्रियोल से ये बना है, ठीक है। ये हमारा कौन सा होता है, ट्रिपल टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट, ठीक है। ट्रिपल टेस्ट किससे बताया था, MSAFP से, MSAFP, MSAFP क्या है, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन HCG और अनकॉन्जुगेट एस्ट्रियोल, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल। तो ये कंबाइंड टेस्ट है और ये कब किया जाता है, 15 to 18 weeks पर किया जाएगा, 15 to 18 weeks, ठीक है। और ये किस लिए, डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, डाउन सिंड्रोम को। अगर जो है जो वैल्यूज अफेक्टेड है, मतलब कैसे कि जो MSAFP है, मेटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन और UE3 अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल, अगर ये हमारा लो है, ठीक है, और HCG क्या हो, हाई है, हाई, तो ये किसको इंडिकेट करता है, डाउन सिंड्रोम को, ठीक है। तो किसको इंडिकेट करेगा, डाउन सिंड्रोम, जो है अल्फा फीटोप्रोटीन और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल लो है और HCG हाई है, तो किसको इंडिकेट करेगा, डाउन सिंड्रोम को, ठीक है। तो ट्रिपल टेस्ट हम डाउन सिंड्रोम के लिए हम मेनली करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल टेस्ट के बाद एक और होता है एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज, ठीक है, इसको हम ACASHE, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेस, ठीक है, एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेस है और इधर है अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रेडियोल, ठीक है। तो ये जो ASHE है ये भी किसके, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के लिए किया जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और ये जो टेस्ट है ये कन्फर्मेटरी टेस्ट माना जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट माना जाता है, ठीक है। मीन्स जो हम MSAFP करते हैं उसे बेटर माना जाता है ASHE, एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज, ठीक है। तो ये हमारे कितने, 4 टेस्ट हो गए। नेक्स्ट होता है एक हमारा कोरियोनिक विलाय सैम्पलिंग, कोरियोनिक विलाय सैम्पलिंग, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि कोरियोनिक विलाय, विलाय से सैंपल लिया जाता है, कहाँ से, कोरियोनिक फ्रंडोजोम, ठीक है, कोरियोनिक फ्रंडोजोम, ठीक है, ये क्या है, फिटल पार्ट होता है फ्रंडोजोम, यहाँ से सैंपल लिया जाता है। ये जो अगर ये हम कब कर सकते हैं, अगर इस प्रोसीजर को हम ट्रांस सर्वाइकल करें, ठीक है, अगर हम ट्रांस सर्वाइकल करें तो इसको हम 12 वीक्स के बाद कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी 10 वीक्स के बाद कर सकते हैं, ठीक है, कोरियोनिक इसको मैं ऊपर ही लिख देती हूँ, कोरियोनिक विलाय सैम्पलिंग, ठीक है, अगर हम इसको ट्रांस सर्वाइकल करें, सर्वाइकल, तो आफ्टर 10 वीक्स से 13 वीक्स तक हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको ट्रांस एब्डोमिनल कर रहे हैं, ट्रांस एब्डोमिनल करते हैं, तो आफ्टर 10 वीक्स टू टर्म, ठीक है, तो टर्म तक हम इसको कर सकते हैं, मीन्स लास्ट तक इस टेस्ट को हम कोरियोनिक विलाय सैंपल को कर सकते हैं। और जो सैंपल कहाँ से लेते हैं, कोरियोनिक फ्रंडोसोम से सैंपल लिया जाता है, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग मैंने आपको बता दिया कि अगर सर्वाइकल से हम वहाँ से हम सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस के से होता है, तो हम 10 वीक्स से 13 वीक्स तक कर सकते हैं, और ट्रांस एब्डोमिनल है तो 10 वीक्स से टर्म तक इसको हम कर सकते हैं। और ये कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग क्यों करते हैं, ये क्या है, सैंपल कहाँ से लिया है, विलाय से लिया है, विलाय सैंपलिंग, तो प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर करियोटाइपिंग, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करने के लिए, और किसी तरह की जो अटैचमेंट अबनॉर्मलिटीज़ है उनको, इसके लिए हम कोरियोनिक विलाय सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये टेस्ट है। नेक्स्ट एक और होता है, 6 है हमारा कोर्डोसेंटेसिस, कोर्डोसेंटेसिस, कोर्डोसेंटेसिस नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे परक्यूटेनियस जो अम्बिलिकल कॉर्ड सैम्पलिंग, मीन्स जो अम्बिलिकल कॉर्ड से सैम्पल लिया जाता है, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, परक्यूटेनियस, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड सैम्पलिंग,
अम्बिलिकल कॉर्ड कौन सी, अम्बिलिकल मेनली जो अम्बिलिकल वेन से, अम्बिलिकल वेन से सैंपल लिया जाता है कितना 0.5 से 2 ml जो फिटल ब्लड अम्बिलिकल वेन से लिया जाता है। और ये जो कोर्डियोसेंटेसिस है ये भी किसके लिए करते हैं, करियोटाइपिंग मीन जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करने के लिए ही करते हैं। और जो कोर्डियोसेंटेसिस का जो टाइम है वो कब करते हैं हम इसको, 13 to 18 weeks, ठीक है। तो 13 to 18 weeks पर हम इसको करते हैं, प्रेफरेबली जो है 18 वीक्स पर हम इसको करते हैं कोर्डियोसेंटेसिस। तो ये भी एक तरह का इन्वेसिव प्रोसीजर है। और इस कोर्डियोसेंटेसिस को करने के बाद फिटल हार्ट रेट को मेजर मॉनिटर किया जाता है 1 आवर तक, ठीक है। 1 आवर तक आफ्टर प्रोसीजर फिटल हार्ट रेट को मेजर करते हैं। और 1 आवर के बाद एक जो है फॉलोअप अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है ताकि ब्लीडिंग या फिर हिमोटोमा को हम देख सकें, ठीक है। तो और जो ये हमारा क्या है, कोर्डियोसेंटेसिस के बारे में हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे एमनियोसेंटेसिस है, जितने भी इन्वेसिव प्रोसीजर है उसमें जो हम पोजीशन देते हैं वो क्या, सुपाइन देते हैं। और आफ्टर प्रोसीजर हम उसको क्या, लेफ्ट जो है लेटरल पोजीशन देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो इन्वेसिव प्रोसीजर हैं उनकी बात हो गई। और जो कोई भी प्रोसीजर करने के बाद, ठीक है, जो नर्स है उसको उसकी क्या जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मदर को बताए किसी तरह का अगर लीकेज होता है, एमनियोटिक फ्लूड लीकेज है, ब्लीडिंग होती है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्शंस है, सॉरी फिटल मूवमेंट है वो कम देखने को मिलता है, फीवर है, चिल है, किसी तरह के साइन है इन्फेक्शन के, तो इमीडिएटली जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को उसको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये हमारी इन्वेसिव प्रोसीजर की बात हो गई। इसमें हमने 6 जो इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं कब किस टाइम किया जाता है और क्यों किया जाता है वो हमने डिस्कस कर लिए। अगर आप किसी तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।